السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله اللَّمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد महतरम इस्लामी भाइयों बुज़ुर्गों नौजवानों और बर्दा नशीन ख़वात इस्लाम आज के हमारे इस दरस का मौजू है माह सफ़र बदशगोनी और इस्लाम आज इस वक्त सफ़र के महीने की तीसरी तारीख हो चुकी है और सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है और इस महीने की शरीयत के अंदर कोई भी फजीलत नहीं है यानी जैसे और दीगर अयाम हैं दीगर महीने हैं ऐसे ही ये महीना भी है इसकी कोई ख़ास फजीलत नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी कोई फजीलत बयान की हो ऐसी कोई बात नहीं जैसे रमज़ान के ताल्लुक से है मुहरम के ताल्लुक से है ज़िलजा के महीने के पहले दस दिनों के तल्ल से है ऐसा इस महीने के तल्ल से कोई फजीलत नहीं लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अगर इस महीने के ताल्लुक से कोई फजीलत नहीं है तो इस महीने के अंदर बुराई है या इस महीने के अंदर कोई शर है ऐसा भी नहीं है इस तरह का भी कोई मामला नहीं है जैसे रबी अव्वल के महीने की कोई फजीलत नहीं है जैसे सफर के महीने की कोई फजीलत नहीं है जैसे जुमा के महीने की कोई फजीलत नहीं तो बहुत सारे महीने हैं जिनकी कोई फजीलत नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस महीने के अंदर कोई बुराई है या उस महीने के अंदर कोई खराबी है इसलिए इसकी कोई फजीलत नहीं है तो यह सफर इस्लामी साल का दूसरा महीना है सफर का मतलब होता है वीरान जगह खाली करना या खाली जगह जबानी जाहिलियत में अरब के लोग इस महीने के अंदर जंग करने के लिए लड़ाई करने के लिए अपने मकान को खाली कर दिया करते थे इसीलिए इस महीने को सफर का महीना कहा जाता है जब आप कोई जगह खाली कर दें तो अरबी में उसको कहते हैं सफीर मकानू जगह खाली हो गई जगह खाली हो गई या किसी ने जगह को छोड़ दिया तो उसके लिए सफर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है स्वाद, फा उर्दू वाला सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं सीन से नहीं है और ना ही इंग्लिश वाला सफर अरबों के यहां इस महीने के ताल्लुक से दो बड़ी खराबियां पाई जाती थी इससे पहले कौन सा महीना है मुहर्रम का उससे पहले जिलिजा उससे पहले तो ये तीन महीने जो है पै दर पे वाले होते और अरब की जो थी वो लड़ाई करने वाली थी जंग करने वाली कौम थी जरा जरा सी बात पर मुद्दतों तक तो जंगे चलती थी तो ये क्या करते थे कि जीका में भी घर पर बैठे हैं हरमत वाला महीना लड़ाई नहीं करना है जिलीजा में भी घर पर बैठे हैं लड़ाई नहीं करना है मुहर्रम भी मुसलसल तीन महीने तो इनकी जो फितरत थी आदत थी उसके ताल्लुक से आप देखें कि तीन महीने मुसलसल ये घर पर पड़े पड़े आप अपनी जबान में कहले बोर हो जाते थे इसलिए ये क्या करते थे अपनी तरफ से कहते थे कि नहीं भाई अब जिलिजा ख़त्म हुआ अब पहले हम सफ़र का महीना ले लेंगे उसके बाद वाला महीना मुहर्रम मान लेंगे इसी को अल्लाह ने सूर तौबा के आयत नंबर सात में नसी कहा नमन नसी उदत फिलकुफरी ये नसी जो करते थे अरब के लोग कि हरमत वाले महीने को आगे बढ़ा देना दूसरे वाले महीने को पहले लेकर के आना इसको नसी का अल्लाह ने कहा इसकी वजह से इनके कुफर में इजाफा होता इसकी वजह से इनके कुफर में तो अरबों के यहां ये पहली चीज थी कि वो महीने में हेर फेर कर देते थे वह सफर के महीने को पहले ले आते थे मुहरम के महीने को बाद में लेकर के चले जाते थे आगे पीछे करके इस महीने से या अल्लाह के बनाए हुए क़ानून से खिलवाड़ किया करते थे तो अल्लाह ताला ने कहा ये कुफ़्र का एक सबब है कुफ़्र का एक जरिया इसकी वजह से इनके कुफ्र में इजाफा होता है अच्छा दूसरी खराबी जो इनके यहाँ थी अरबों के यहाँ कि इस महीने को मनहूस समझते थे नहूसत वाला महीना समझते थे इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया इसकी वजाहत की चूँकि आप उसी माहौल में पैदा हुए थे उसी माहौल में आपको नबूवत मिली रिसालत मिली इसलिए आपने कहा वाला सफारा सफ़र का महीना ये मनहूस महीना नहीं है नहूसतों वाला महीना नहीं है तो हम जानेंगे माह सफ़र के हवाले से चंद बातें फिर नरोसत क्या है बदशुगुनी क्या है इस्लाम में इस तल्लु से क्या तलीमत है वो हम जानेंगे देखिए ये नौसत का जो अकीदा है ये कोई नया अकीदा नहीं है हमेशा से हर दौर हर जमाने में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो किसी न किसी चीज़ से क्या करते हैं बदशगूनी लेते उसको अपने लिए मनोज़ समझते हैं मुसा सलाम का आप वाक़ा पढ़ें तो फ़ैदा जाहसन खालहदी जब फिर और उसकी कौम पर कोई मुसीबत आती थी तो वो लोग कहते थे कि ये मूसा की वजह से आई है जब कोई खैर मिलता था तो कहते थे हम इसके मुस्त हैं हमारी वजह से मतलब हमने कोई अच्छा काम किया इसकी वजह से हमें मिला है वह इन तुसिब हैतरु बेमूसा व ममा और अगर उन्हें कोई मुसीबत कोई परेशानी लायक होती थी तो कहते थे वो मूसा सलाम से बदशगुनी लेते थे उनको मनहूस कि इसकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है तो मूसा सलाम को अपने लिए मनहूस समझते थे एक और है देखें साल सलाम का अल्लाह ने तस्करा किया कुरानी मजीद के अंदर साल सलाम का अल्लाह रब्लम ने तस्करा किया है कौम समूद इनकी तरफ भेजा गया था इनको तो कौम समूद के लोगों ने इनसे कहा कहारना बिका वबीमा मैक का, का साल हम आपसे भी और आपके ऊपर जो लोग ईमान लाए जो आपके साथ उनको सबको हम जो है अपने लिए मनोज समझते हैं तो साले अली अलीसला सलाम ने कहा कि भाई देखो तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है तुम एक ऐसी कौम हो जिसको आजमाया जा रहा है सूर्य यासिन आप पढ़े अल्लाह ताला ने एक कौम का तस्करा किया गांव का वहां अल्लाह ने तीन नबियों को भेजा उन्होंने दीन की दावत दी अल्लाह की तरफ बुलाया और तोहीद की तरफ बुलाया तो उन लोगों ने कहा कि भाई खालो इन्ना सफरना भी कुम हम तुमसे नहुसत लेते हैं यानी तुम हमारे लिए मनहूस बन करके आयो तो उन रसूलों ने पैगम्बरों ने जवाब दिया हाँ युकुम भाई तुम्हारी नौसत तुम्हारे साथ ये जो तुम सोच रहे हो ना ये तुम्हारी गलत सोच ये तुम गलत सोच रहे हो नौसत वाली या किसी चीज का किसी इंसान का मनखूस होना इसकी कोई हकीकत नहीं है तुम्हारी नौसत या तुम्हारा यह अदा तुम्हारे साथिर तुम क्या तुम्हें नसीहत नहीं की गई तुम्हें समझाया गया बल अन तुम कौम मुशरिफो तुम हद से गुजर जाने वाली कौम हो तो ये जो है नहुसत का अकीदा या किसी चीज़ को किसी इंसान को मनहूस समझना किसी चीज़ से अपने लिए बुरा शगून लेना ये जो है ये पहले से बहुत ज़माने कदीम से ये चलता हुआ आ रहा आप सल्लाम का ज़माना देखें तो उस ज़माने में भी कई तरह की चीज़ें लोगों ने इख्तियार कर रखी थी उल्लू की आवाज़ आती थी मनहूस समझते थे उसको सफर का महीना आ जाता था इसको अपने लिए नोसत वाला महीना समझते थे ऐसे ही एक तरीका उनके यहां क्या था पता है? जब कोई काम करने के लिए वो जाते थे या कहीं सफर पर निकलना है तो क्या करते थे वो परिंदे को उड़ाते थे परिंदे को उड़ाते थे अगर परिंदा राइट में गया तब तो हम जो है सफर पर जा सकते हैं तब तो ठीक होगा लेकिन अगर वो लेफ्ट में चला गया तो फिर सफर का आगाज नहीं किया जा सकता फिर हम सफर नहीं करेंगे वरना सफर हमारा अच्छा नहीं होगा ऐसे ही तीरों के ज़रिए जो है वो फ़ाल निकाला करते थे किस्मत का हाल मालूम किया करते थे तो अकीदे का बिगाड़ या किसी चीज़ को मनहूस समझना या इस तरह की चीज़ों का अकीदा रखना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको जब नबूवत मिली रिसालत मिली उससे पहले ये चीज़ मौजूद थी नहूसत का अमल किसी चीज़ को मनखोज समझना ये बुरा अक़ीदा होने के साथ साथ अल्लाह की ज़ात से बदगुमानी भी है अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से बुरा गुमान रखना भी है और याद रहे जब कोई बंदा अल्लाह की ज़ात से बुरा गुमान कर लेता है तो उसके साथ वही होता है जो उसने सोच रखा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हदीस खुदसी है अल्लाह फरमाते है, आना अबदी मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूं यह एक तो बुरा अकीदा भी है और दूसरे अल्लाह की जात से बदगुमानी भी है और अल्लाह की जात के साथ बदगुमानी रखने वाला बंदा किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता वो हमेशा ढुलमुल यकीन रहेगा सोचेगा ये करूं कि नहीं करूं ऐसा करूं तो ये ना हो जाए वैसा करूं तो ये ना हो जाए अब देखिए सिर्फ सफर का महीना नहीं बल्कि शवाल के महीने को भी लोग बुरा समझते थे जमाने जाहिलियत में और आज भी समझते हैं बहुत सारे लोग तो शरीयत ने क्या किया इन सारी खराबियों को ख़त्म किया बल्कि अम्मा आयशा तआला ना कहती हैं कि मुझसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने निकाह किया शवाल के महीने में और मेरी रुख्सती भी शवाल के महीने में हुई तो बताओ मुझसे ज्यादा रसूल अक्रम सला वसम किससे मोहब्बत करते हैं यानी अगर शवाल का महीना बुरा है मनहूस है नरूसत वाला है और जो है उसके अंदर बदशगुनी पाई जाती है तो मुझसे तो शादी की नबीन नहीं इस महीने में मेरी रुखसती इस महीने में हुई मैं रुखसत होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो मुझसे ज़्यादा नबी किससे मोहब्बत करते हैं मुझसे ज़्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं है दरअसल वो ये बतलाना चाह रही थी कि शवाल का महीना नहुसत वाला नहीं है मनहूस नहीं ऐसे ही सफ़र के महीने को भी बहुत से लोग बुरा समझते हैं इस महीने को मनहूस समझते हैं जबकि ये महीना मनहूस नहीं है इसके अयाम इसकी रातें मनहूस नहीं हैं तो शवाल के महीने में भी बदगी पाई जाती थी नहुसत जैसा कि मैंने कहा किसी भी चीज़ में नहीं होती किसी भी चीज़ में नहीं चाहे वो चीज़ हो चाहे वो इंसान हो चाहे वो घर हो चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई और चीज़ हो नहुसत अपने आप में किसी चीज़ में नहीं होती और बदशगुनी लेना ये शिरक है बदशुगुनी लेना ये शिरक है इसलिए कि अगर आप किसी चीज़ से बुरा शगुन ले रहे हैं या उसको मनहूस समझ रहे तो गोया की नुकसान का मालिक उसको समझ रहे आपने किसी चीज से बुरा शगून लिया किसी चीज को मनहूस समझा तो गोया कि उसको जो है नुकसान का मालिक समझ रहे कि यह चीज जो है नुकसान पहुंचाती है जबकि शरीयत क्या कहती है कि नफा नुकसान का मालिक कौन है अल्लाह वो बिदुर अगर आपको अल्लाह ताला कोई नुकसान पहुंचा दे तो अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं वही सस का भी और अगर, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खैर पहुंचाए फहुआ अला कुल शैइन कदीर तो वो हर चीज़ पर कादिर इसीलिए नमाज के बाद सलाम हम फेरते हैं क्या कहते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफउ दल जद्द मिनकल जद्द अल्लाह कोई भी रोकने वाला नहीं उस चीज को जो तू दे दे और कोई भी देने वाला नहीं उस चीज को जिसको तू रोक ले वालय और किसी भी हैसियत वाले हैसियत वाले इंसान की तेरे यहां किसी काम के लिए कोई जो है फायदा नहीं पहुंचाने वाली तो अल्लाह हरबुल आलमीन की खासियत को किसी चीज के साथ जो है जोड़ देना यह गोया कि क्या है शिरक करना है एक बंदा जो किसी चीज़ को मनहूस समझता है किसी चीज को अपने लिए बुरा समझ रहा है गोया कि वो उसको नुकसान का मालिक बता रहा है और यह अल्लाह आलमीन के साथ क्या है शिरक है अच्छा बाद दफ़ा हमारे साथ भी हमारे जहनों में भी ये बात आ जाती है ये जहनों में हमारे बात आ जाती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वमा मिन्ना कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये वहम हो जाता हो कि ये जो है फ़लाँ की वजह से हुआ है कभी कभी जहन में बात आती है कि अरे ये फलाँ की वजह से ये काम बिगड़ा है फला की वजह से बिगड़ा है वो ना होता तो काम अच्छा होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वहम यह ख्याल जो आ रहा है तो ख्याल में आ जाना गलत नहीं है लेकिन उसको अकीदा बना लेना यह गलत है इसको ख़त्म कैसे करेंगे तो अगर आपका तो्क्ल और भरोसा अल्लाह पर है तो आप जो है उस चीज़ को अपने लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं समझे सहन में बात आ गई आ गई लेकिन आप उसी को अकीदा बना लें ये अकीदे की खराबी है अगर आपका तो्क्ल अल्लाह पर है तो इस तवक्ल की वजह से आप जहन में आने वाले उस ख्याल उस वहम को क्या करेंगे दूर कर देंगे उसको ख़त्म कर देंगे लेकिन आप पढ़ते हैं बाद दफा सुनते हैं यह हदीस भी है सही हदीस है कि नहुसत जो है तीन चीजों में होती है अशु मुफी सला तीन चीजें मनूस क्या है एक औरत दूसरे घर तीसरे सवारी या घोड़ा तो क्या वाकई नहौसत वाली कोई चीज है हदीस आप देखेंगे आपको मिलेगी हदीस आपको मिलेगी तो इसका माना क्या हो एक तरफ शरीयत यह कहती है कि नौसत किसी चीज में नहीं होती एक तरफ शरीयत यह कह रही है कि नहुसत जो है वो तीन चीजों में है एक औरत में एक जो है घर में और एक घोड़ा में या जानवर में उसमें क्या मतलब है इसका क्या मफहम है इसका कैसे हम दोनों को जो है जमा करेंगे तो देखें इसका माना यह है जो यह हदीस है इसका माना है कि तीन माना उलमा ने बयान की एक माना तो ये कि अगर नहुसत किसी चीज में होती तो इन तीन चीजों में होती वहां जो वो हदीस में है ना तो वहां लवूका अगर नहुसत किसी चीज में होती तो तीन चीजों में होती वहां दरअसल बताया ये नहीं जा रहा है कि नहुसत इन तीन चीजों में होती है बल्कि यह कहा जा रहा है अगर नहुसत होती किसी चीज़ में तो इन तीन, तीन चीजों में होती एक पहला माना हो गया दूसरा माना जौलमा ने बयान किया है कि यहां पर औरत की नहुसत से क्या मुराद है औरत अपने आप में मनहूस नहीं है जैसा कि हमारे यहां बाज लोग समझते हैं बाज दफा औरत मनहूस नहीं है बल्कि उसका मतलब यह है कि औरत बद किरदार औरत बदजबान हो अखलाक की अच्छी ना हो बद किरदार हो तो ऐसी औरत जो है वहाँ मनहूस से मुराद ये और घर से मुराद यानी छोटा घर हो या इसी तरीके से पड़ोस बुरा हो तो उस घर को मनहूस कहा गया है वहां मनहूस से मुराद क्या है यानी घर का छोटा होना खुद नहीं रह सकते मेहमान आए उसको ठहरा नहीं सकते हैं पड़ोस जो है बुरा है कि जो है घर में कोई मेहमान आए तो पड़ोस से गालियों की आवाज आ रही लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है तो वहां घर के मनहूस होने से मुराद घर का छोटा होना या पड़ोस का अच्छा ना होना है ऐसे ही जानवर के मनहूस होने से मुराद क्या है कि जानवर जो आप खरीद करके लेकर आए हैं वो सरकश हो जाए बागी हो जाए आपको अपने ऊपर सवार ना करे, आपको अपने ऊपर बैठने ना दे बल्कि आप उसके करीब जाएं, तो वह आपको जो है पैर से मारे लात मारे ये उसका मनहूस होना मुराद है तो मनहूस नहूसत जिसको हम समझते हैं कि यह बुरा है हमारे लिए औरत बुरी होती है घर बुरा होता है या जो है जानवर बुरा होता है नहीं ये गलत सोच है जो समाज में जो है बताई जाती है जो समाज में फैलाई जाती है ये दूसरा माना तीसरा माना यह है कि औरत के या घर के या जानवर के मनहूस होने से क्या मुराद है कि उसका हम मिजाज ना होना हम मुआफिक ना होना यानी आपके जैसे ख्याल आपकी बीवी के नहीं हैं तो गोया की जो है आपने दोनों में डिफरेंस डिफ्रेंस मनहूस से मुराद ये है कि आप दोनों में कोई चीज़ सेम नहीं है दोनों में मर्द में औरत में दोनों में कोई चीज सेम नहीं है या मर्द में और जो है उसके घर में कोई चीज सेम नहीं है या जो है एक इंसान में उसके जानवर में जो जानवर खरीद ले करके कर, कर लेकर आया है दोनों मुआफिक नहीं है दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं अच्छा यहां पर एक और हदीस आपके सामने हो सकता है बाद दफा आए हजरत अनस बिन मालिक तआला रजील्ला कहते हैं कि एक आदमी आया अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पहले एक घर में रहते थे तो वो घर में हमारे जो है मतलब बच्चे भी ज्यादा थे माल भी ज्यादा था लेकिन फिर हमने घर चेंज कर दिया सुनेजा की हनीस हमने घर बदल दिया तो जब से घर हमने बदला है तब से हमारा माल भी कम हो गया हमारे बच्चे भी कम हो गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जमी मचन फरमाया उसको छोड़ दो क्या नबी बताना चाह रहे थे वो घर तुम्हारे लिए मनूस है क्या बताना चाह रहे थे नबी ने घर छोड़ने के लिए क्यों कहा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जहन में शैतान यह बात बिठा दे कि यह घर तुम्हारे लिए बुरा है। तो इससे पहले कि यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में पुख्ता हो उससे पहले घर छोड़ दो उससे पहले छोड़ दो और दूसरी जगह चले जाओ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ नबी वसल्लम यह नहीं कह रहे थे कि घर तुम्हारे लिए मनहूस है इसलिए घर छोड़ दो बल्कि ये बता रहे थे कि शैतान आज तुम्हारे दिल में ये बात आई है कि हम वहां थे तो औलाद ज्यादा थी माल ज्यादा था यहां आ गए तो औलाद भी कम हो गई माल भी कम हो गया तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस ख्याल को किसी बुरे अकीदे में शैतान बदल दे उससे पहले यह घर छोड़ दो और यहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तो ये नबी अक्रम सला व्म की हदीस है अच्छा नवसत और बदशुगुनी का जो लोग अकीदा रखते हैं उनका अंजाम क्या है जैसा कि मैंने कहा नहुसत बदशुगुनी या किसी चीज़ को मनहूस समझना यह क्या है बुरा है और ऐसा अकीदा रखने वाला बंदा शिरक करता है गोया कि ऐसा बंदा क्या है मुशरिक ऐसा बंदा मुशरिक है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन औ तथुरा लहू वो शख्स हम में से नहीं है हमारे रास्ते पर नहीं है जो बदशगूनी ले या जिसके लिए बदशूनी ली जाए जो किसी चीज को मनहूस समझे या जिसके लिए किसी चीज़ को मनहूस समझा जाए और वो उस पर बाकी रहे उसका इनकार न करे तो ये ऐसे बंदे का अंजाम है अब आइए देखते हैं हमारे समाजों व माशरे में नहुसत की की कौन कौन सी सूरतें मौजूद हैं? सफर के महीने के हवाले से पहले देखते हैं कि किस किस चीज को मनहूस समझा जाता है सबसे पहली बात तेरा तेजी हो सकता है आप लोगों ने ना सुना तेरा तेजी किसको कहते हैं सफर के महीने की इब्तदाई जो तेरह दिन है इनको खास तौर पर मनहूस समझा जाता है खास तौर पर पूरे महीने को मनहूस समझा जाता है लेकिन इब्तदाई तेरह दिन जो हैं इन तेरह दिनों को इंतहाई मनहूस समझा जाता है और इनको जो है कहा जाता है कि अगर इन दिनों में कोई काम करोगे तो बरकत नहीं होगी बेबरकती होगी और इसीलिए आप देखें कि अगर सफ़र के महीने से पहले किसी का निकाह हुआ है नया शादीशुदा जोड़ा है तो इन तेरह दिनों में बाज़ इलाकों में दोनों को अलग कर दिया जाता है कि दोनों साथ रहो कोई कारोबार शुरू नहीं करते कोई कारोबार और बाज इलाकों में इन तेरह दिनों की बेबरकती खत्म करने के लिए क्या करते हैं चने उबाल करके लोगों में तकसीम किया जाता है तीन सौ पैंसठ गोलियां रखी जाती हैं उसको गिना जाता है या उसको तकसीम किया जाता है या इसके अलावा और किसी तरीके तो ये तेरह तेजी इब्तदाई तेरह दिन को खास तौर से मनोज समझना और ये सोचना कि ये तेरह दिन जल्दी से कितनी तेजी से गुजर जाए ताकि हमारी जिंदगी से जो है बेबरकती जो है वह बेबरकती भी दूर हो जाए ये पहली चीज दूसरी चीज इस महीने का जो आखिरी बुद्ध होता है चार शंबा वेडनेसडे उसको ख़ास तौर से मनहूस समझना और घर वगैरह खाली करके बाद लोग जो है जो मैदान में तफरी के लिए निकल जाते हैं क्यों मनहूस समझते हैं इस आखिरी बुद्ध को इसलिए कि कहते हैं रसूल अक्रम सम की बीमारी का आगाज़ इसी महीने के आखिरी बुद्ध से हुआ था कौन सी बीमारी जिस बीमारी में आप सल्ला व्ल् का इंतकाल हुआ आपकी वफात हुई तो मेरे भाई अगर ये सफ़र का आखिरी बुध जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हुआ अगर इनके कहने के हिसाब से इस आखिरी बुद्ध को हम मनहूस समझ ले तो रबीउल अव्वल का बारह महीना उससे कहीं ज्यादा मनहूस है इसलिए कि उस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ आपकी वफात हुई अगर बीमारी के आगाज वाला दिन तुम्हारे हिसाब से मनहूस है तो वफात वाला दिन उससे कहीं ज्यादा मनहूस होना चाहिए और वो महीना उससे ज्यादा मनहूस होना चाहिए तो ये जो है एक तरफ इस चीज को लेना दूसरी तरफ छोड़ देना ये उन्हीं लोगों के यहां ये मामला होता है कि जिनकी बुनियादें मजबूत नहीं होती और जो लोग सही अकीदा सही मनहज और सही रास्ता छोड़ करके यहां वहां भटकते हैं उनके यहां इस तरह की खराबियां आती हैं तो दूसरी चीज आखिरी बुद्ध को मनहूस समझना सफर के महीने की ऐसे ही सफर के महीने में शादी ब्याह नहीं करते शादी ब्याह नहीं करते हैं क्यों कहते हैं कि इसी महीने में ये शियों की तरफ से आई बात कहते इसी महीने में हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताल का इंतकाल हुआ था इसी महीने में सफर के महीने में तो कहते हैं इसमें शादी नहीं करो शादी जो है बरकत नहीं होगी या शादी टूट जाएगी तलाक हो जाएगी और दिनों में शादी करने से तलाक नहीं होती और दिनों में शादियां क्या जो है की जाती हैं रबी अवल में शादी करो तो क्या लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए हो जाती है टूटती नहीं है किसी की तलाक नहीं होती खुला नहीं लिया जाता इस तरह के मामला होते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ जो समाज हो ये तो सफर के महीने के ताल्लुक से बात हो गई अब इसी में आप देखें कुछ और चीज़ें जो हमारे समाजों माशरे में चलती हैं जो नहूसत हम लेते हैं हमारे अपने घरों में चीज़े ये चीज़ें मौजूद हैं ये एक तो है जो हमारे यहाँ तकरीबन नहीं है लेकिन फिर भी समाज में है वो क्या है काली बिल्ली को मनोज समझना सब जानते हैं काली बिल्ली को लोग मनोज समझते हैं रास्ता काट गई तो सफर पर आगे नहीं बढ़ेंगे अरे भाई वो जा रही है अपने रास्ते जा रही है उसको जाने दो आप भी अपने रास्ते जाओ ये तो जमाने जाहिलियत वाला अकीदा हो गया अरबों का अकीदा हो गया कि काली बिल्ली को मनूस समझ रहे सफेद वाली आपके लिए खैर है अगर काली बिल्ली मनूस है उसका रंग आपके लिए मनूस है तो कितनी ऐसी चीजें आपके घर में काला कपड़ा होगा आपके घर में कोई काली चीज होगी वो आपके लिए मनूस नहीं काली बिल्ली आपके लिए मनूस है उसने आपका क्या बिगाया है तो ये जो है काली बिल्ली को मनोज समझा ऐसे ही कौवा अगर घर की छत पर आ जाए आवाज देने लगे तो उसको मनोज समझते हैं या उसके ताल्लुक से कोई और गलत अकीदा दिमाग में आ जाता है ऐसे ही आप देखें उल्लू की आवाज आ जाती है तो उल्लू की आवाज से डर जाते हैं या उसको बुरा समझते हैं कि लगता है कुछ गड़बड़ी होने वाली है कोई मामला खरा इनके हिसाब से तो उल्लू आवाज ही ना करे बेचारा ये यानी वो मतलब अपना काम ही ना करे वो आवाज चुप मार करके बैठे रहे ये दुनिया भर की बातें बोले और उल्लू कोई बात ना बोले या उल्लू आवाज ही ना निकाले ऐसे ही आप देखें एक और चीज जो हमारे यहां भी है हमारे यहां भी वो है कि अगर कोई काम खराब हो जाता ना तो पता नहीं पता नहीं किसका चेहरा सुबह सुबह देख लिया था गौर करो तो अपना ही देखा होगा है नहीं और आजकल तो आसानी है मोबाइल है मोबाइल में भी लोग देख लेते हैं अपना ही देखा होगा तो नफूसत को किसी और से जोड़ने के बजाय खुद से जोड़ो अगर जोड़ना ही है तो शरीयत क्या कहती है नूसत बतादगी या बदशुगुनी कोई चीज नहीं है आप किसी दिन को मनोज समझें किसी रात को मनोज समझे आप जो है किसी महीने को मनोज समझे या किसी साल को अपने लिए मनोज समझ ले, यह बहुत ही इंतहाई गलत अकीदा है जो आपको शिरक और कुफ्र की तरफ लेकर के जाता है पता नहीं किसका चेहरा देख ली ये क्या बात हुई भाई आपकी नसीब में वही लिखा था आपकी तकदीर में यह बात थी कि आपके साथ ये मामला होना है ये मामला होना है और फिर पता नहीं किसका चेहरा देख लिया ये जुमला बोल करके उस बंदे को पूरे समाज के लिए मनहूस जो है तस्वूर कर लिया जाता है कि ये आ गया ना हमारी बजलिस में अब काम खराब होगा कितने ऐसे लोग आप समाज देखें कि स्कूलों में कॉलेजों में देखें आप देखें कोई बच्चा आ जाता है तो ये भाई आ गया है पनौती है हमारे यहां चलते ना पनौती उसका वही उसका मनहूस नहूसत यह आ गया आप जो कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ, कुछ गड़बड़ी होगी यह हमारे लिए पनौती है दुकान में नहीं आना चाहिए यह हमारे घर में नहीं कितने मरतबा ऐसी बातें बोली जाती है फला आदमी को घर में नहीं आने देना वो आता है, जब जब आता है, काम खराब होता है पनौती लग जाती है तो यह हमारे अपने घरों में भी मौजूद है पता नहीं किसका चेहरा देख लिया था ऐसे ही अगर शादी है कोई शादी के करीब या उसके फौरन बाद अगर घर वालों में से किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो बहू की तो खैरियत नहीं है बहू की खैरियत नहीं है यह मारी जब से आई हमारे घर में इस तरह का हो रहा है इसी की वजह से सब हो रहा है यह जब से आई है तब से हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रह रहा जब से कोई ना कोई तकलीफ हो रही है या तो जो है दामाद को मनहूस समझ लिया जाता है या तो जो है बहू को मनहूस समझ लिया जाता है शादी के करीब या शादी के बाद शादी के करीब हो जाए तो तब तो कितने रिश्ते टूट जाते हैं कि जब से इनसे हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है ना कि इनके यहां हम अपनी बेटी की या बेटे की शादी करेंगे तब से जो हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं किसी रिश्ते में खराबी वो लड़की हमारे लिए बुरी है रिश्ता टूट तोड़ दिया कई साल से जो है मंगनी हो चुकी थी बातचीत हो चुकी थी फला साल शादी करेंगे लेकिन इस जरा सी बात की वजह से शैतान बीच में आया अकीदा बिगाड़ा उसने नहूसत वाला अकीदा दिमाग में डाला और फिर उसकी वजह से रिश्ता और ताल्लुक टूट गया तो शादी के करीब या शादी के बाद कितने जो है इस तरह के मामला होते हैं बहु या दामाद को मनहूस लोग समझ लेते हैं अच्छा हमारे यहां एक और तस्वुर है नहुसत के ताल्लुक से फला की वजह से हमारा फायदा हुआ है या फला की वजह से नुकसान हुआ है तू मेरे लिए बड़ा लकी है तू मेरे लिए जो है अनलकी है फला की वजह से ऐसा ये तस्वूर होता है अच्छा इसी में एक और चीज कि हमारे यहां दुकान में खासतौर से आप मार्केटों में निकल जाए एक जो है एक लफ्ज बोला जाता है क्या है बोहनी का मामला हमारे यहां भी बोले अरे बोहनी का टाइम है यार ये बोहनी क्या होती है उसको और कुछ लफ्ज बोलते हैं समाज में वही उसी में आ गए तो बोहनी सुबह का आगाज जो है बोहनी तस्वुरी होता बोहनी अच्छी हो गई पूरा दिन अच्छा होगा बोहनी खराब हो गई तो फिर सारा मामला खराब सारा मामला खराब होगा अच्छा इसी में देखें आप उधार से दिन का आगाज नहीं करते उधार से दिन का आगाज नहीं करते समझते हैं, अगर उधार दे दिया फिर पूरा दिन खराब होगा पूरा दिन खराब होगा और कोई कस्टमर अच्छा आ जा अरे आज तो मेरा दिन बन गया आज मेरा दिन बन जाएगा फला आदमी आया था फला आदमी आया था उसके गोया कि नफा और नुकसान का पूरा अकीदा आपने सामने वाले पर छोड़ दिया सामने वाले की वजह से ऐसा हुआ है सामने वाले की वजह से नुकसान हुआ है तो चाहे बोहनी का मामला हो चाहे जो है उधार से दिन का आगाज न करने का मामला हो ये सारी चीजें इसी में आती हैं अच्छा एक और चीज हमारे यहां है कि किसी हादसे की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं वो गाड़ी दोबारा नहीं चलाते गाड़ी सही है चलने की कंडीशन में लेकिन नहीं चलाएंगे क्यों इसी से एक्सीडेंट हुआ था उसको या तो बंद करके रख देंगे गैरेज में या तो जो है बेच देंगे किसी और को लेकिन चलाएंगे नहीं दोबारा ये भी इसका ताल्लुक भी इसी से बुरा समझते हैं अच्छा बास घरों में ऐसा होता है कि, कि किसी कमरे में किसी का इंतकाल हो, हो गया कोई बीमारी नहीं थी ऐसे इंतकाल हो गया बीमारी थी तो चलो ठीक है मान लेते हैं लोग इंतकाल हो गया लेकिन ऐसे ही बस बंदा चल फिर रहा था इंतकाल हो गया उस कमरे में बंद कर दिया लॉक कर दिया जाता कोई नहीं जाता फिर उसमें कोई नहीं जाता उसमें फिर उसको जिन्नात भूत प्रेत आसेप का जो है मकान बना दिया जाता है ए, इसमें आवाज आती है जाओ तो कोई ना कोई जो है इसमें है जाओ तो जान ले लेती है रूह निकल जाती है होता है वो होता है कितने ऐसे जगह इलाके जो है मशहूर है घर ऐसे हैं अच्छा इसमें तो बाज लोग नंबर को जो है अपने लिए लकी अनलकी मानते ए तेरा फेवरेट नंबर क्या है टी शर्ट पे वही लिखाएंगे तू मेरी टीम में यूरोप में आप देखें फुटबॉल की दुनिया इतनी जो है मतलब पूरा एक बड़ा स्टेज है कमाई का पैसे का तेरा नंबर की जर्सी किसी प्लेयर की आपको नहीं मिलेगी चाइना वगैरह में आप चले जाएं बिल्डिंगे होती है सौ सौ माले की बिल्डिंग है तेरह नंबर का माला आपको नहीं मिलेगा उसमें बारह के बाद सीधा चौदह तेरा नहीं अच्छा तेरा हजार लेना हो तो ले लेंगे पैसे में सब चलता है ना पैसा माई बाप है पैसे में सब चलेगा फ्लैट भी नहीं चलेगा तेरह नंबर का फ्लैट मनोज तेरह नंबर की गिनती मनोज तेरह नंबर की जर्सी मनोज सारी चीजों को मनोज जो है कर दिया है इसी से तेरह तेजी जो मैंने शुरू में बताया आप तेरह नंबर को अपने लिए मनहूस समझते हैं आप मुश्किल से कोई एकाध प्लेयर पाएंगे कि जो है तेरा नंबर की जर्सी जिसने पहनी हो या पहन रखी या पहनता हूं मुझे तो नहीं मालूम मैं जानता हूं मुझे भी थोड़ी दिलचस्पी है जानता हूं मैं तेरह नंबर की जर्सी आज तक मैंने किसी की नहीं देखी क्रिकेट में भी देख लें आप क्रिकेट में देखें कोई तेरह नंबर की जर्सी पहनता हैं एक से दो तीन चार पांच आप पूरा गिनते चले जाएं सौ तक पहुंच जाएंगे नंबर मिल जाएगा आप लेकिन तेरह नंबर की जर्सी आपको नहीं मिलेगी ये नहुसत वाला अकीद पता नहीं क्या तेरा नंबर ने गुनाह किया है उसमें कब जान आई थी कब किसने किसका उसने क्या बिगाड़ दिया था कि तेरा नंबर को मनहूस समझना तेरह नंबर के ताल्लुक से इस तरह का अकीदा रखना ये गलत सोच है सब तो किसी हादसे की वजह से गाड़ी को छोड़ देते हैं लोग या ड्राइविंग बाद दफा छोड़ देते हैं बाज दफा ड्राइवर अरे मैं जब जब गाड़ी चलाता हूं तब तब नुकसान हो जाता है नहीं करेंगे ऐसा तो ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने गिनवाई ये नूसत की बदशगुनी की शक्लें हैं सूरतें हैं। शक्लें हैं, सूरतें हैं। कि नहीं आप इस रास्ते से मैं गया था ना पिछली बार तो एक्सीडेंट हुआ था उस रास्ते से नहीं जाना कभी वो रास्ता ही बंद कर देते क्या गुनाह किया भाई उसने कोई गुनाह, कोई गलती उसने नहीं की बस जो है उसको आपने अपने लिए मनुष्य समझ लिया हमारे अपने घरों में इस तरह की कितनी चीजें मौजूद हैं कि जिनसे हम बुरा शगुन लेते हैं जिनको अपने लिए मनहूस समझते हैं कि जिनको अपने लिए किसी बुराई का किसी का, किसी हादसे का जरिया और सबब हम समझते हैं अगर हमारे जहन में इस तरह का कोई ख्याल आए कि भाई फला चीज हमारे लिए मनहूस है फला आदमी मनहूस है अगर इस तरह का कोई ख्याल आ रहा है इसको दूर कैसे करेंगे इसको दूर कैसे करेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया <दिण गार्णागा> मन अर फ़कत अशरक कि जिसको बदशगुनी किसी काम से रोक दे गोया कि उसने शिर्क किया तो साहबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के दिल में ये बात आ जाए जा 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 तो उसको दूर कैसे करे क्या तरीका है दूर करने का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई क्या सिखाया Tairuk, khairuk, Ayla, कोई भी चीज़ बुरी नहीं मगर वही जिसको तू हमारे लिए बुरा बना दे और कोई भी चीज़ खैर नहीं मगर वही जो तू खैर की सूरत में हमारे पास दे दे वला इलाहा गैरुक और तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है तेरे सेवा तो अगर दिल में जहन में इस तरह की बात आती है तो आप ये दुआ पढ़ लें अल्लाह फैरा अला फेरुख वाला खैरा अला खै रुख वाला खई हाँ और याद रखे कि नोसत बदशगुनी ये अपने आप में बुराई है बदअदगी है खराबी है और गोया कि आप नुकसान का नफा का मालिक किसी और को बना दे रहे हैं ये चीज़ ना आई होती फ़ायदा होता ये चीज़ आ गई नुकसान हो गया इस आदमी का चेहरा देखा तो मेरा नुकसान हो गया ना देखा होता तो फ़ायदा होता ये अकीदा बहुत खराब बुरा और बिगड़ा हुआ अकीदा है इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही नफा नुकसान का मालिक है कुल नहीं उसी बना इल्लामा कतब अल्लाहु लाना हुआ मौलाना वाअल्लाही फलियतवक्कल मुमिनोन अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि हमें हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है मगर वही जो अल्लाह ने जो अल्लाह ने लिख दिया है जो अल्लाह ने लिख हुआ मौलाना वह हमारा मौला है कारसाज है हमारे काम आने वह अल्ला और मोमिनों को चाहिए कि क्या करें अल्लाह ही पर भरोसा करें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में ये बयान कर दिया फरमाया लावा वला, वला, वला सफरा फरमाया कि कोई भी बीमारी अपने आप में नहीं फैलती है अल्लाह की मर्जी होती है तो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और बदशुगुनी किसी चीज़ में नहीं है उल्लू के बोलने से आपके यहाँ कोई ख़राबी नहीं आती उल्लू की आवाज़ मनहूस नहीं है और सफ़र का महीना मनहूस नहीं है लिहाजा सफ़र के महीने को मनहूस समझना बुरा समझना इसमें कारोबार न करना इसमें शादी ब्याह न करना इसमें कोई अहम मामला अंजाम न देना इसमें सफ़र के लिए न निकलना या इसके इब्तदाई तेरह दिनों को अपने लिए बुरा समझना बेबरकती का जरिया समझना आखिरी बुद्ध को अपने लिए ख़ास तौर से मनहूस समझना घरों से निकल जाना ये सब जो है बुराइयाँ हैं खराबियाँ हैं और ये एक मुसलमान के अक़ीदे को बिगाड़ देने वाली चीज़ें हैं अच्छा जो इंसान नहुसत से बदशगूनी से दूर रहता है उसका बेहतरीन बदला क्या है आपके दिल में बात आई आपने मैं नहीं माना हाँ भाई ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती कुछ नहीं होती नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है किसी इंसान किसी चीज़ किसी जानवर की वजह से कुछ नहीं होता ऐसे लोगों का बेहतरीन बदला क्या है वो हदीस आपको मालूम है सब जानते सत्तर हजार लोग बिला हिसाब किताब के जो जन्नत में जाएंगे उनकी क्या सिफत बताई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ولا يتطيرون वला वला وعلى ربهم يتوكلون ये चार सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई फरमाए ये वो लोग होंगे कि जो लोग झाड़ नहीं करवाते झाड़ फूँक भाई रुकिया करना ठीक है लेकिन आला मैं यार क्या आप अल्लाह पर तवक्कुल रखे अल्लाह ताला आपको ठीक कर वो एक अलग चैप्टर है दूसरी चीज वलायतर बदशगुनी नहीं लेते तीसरी चीज वलायक अपने जख्मों का इलाज दाग कर नहीं करवाते पुराने जमाने में एक इलाज चलता था दाग दिया जाता था चोट लगी किसी को उस जख्म को आग के जरिए दाग दिया जाता था ठीक हो जाता था अब वो मना है नहीं कर सकते आप वलायकताओन कहा कि आज भी जो है आप देखे जोडो कराटे वगैरह की दुनिया में आज भी इसी के जरिए इलाज किया जाता है चाइना वग़ैरह में इसी के ज़रिए दागना पहले एक जो है बाकायदा इलाज था दागना किसी को आग के ज़रिए कहा ये नहीं करते हैं और नंबर चार वब्ब यतवक्कलून अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं भरोसा करते हैं ये वो अज़ीम लोग हैं कि जिनको अल्लाह आलमीन बिला हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेगा तो अगर हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ है इस तरह का कोई अमल है कि जिसको किसी को हम अपने लिए बुरा समझ रहे हैं किसी चीज़ को मनहूस समझ रहे हैं तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें और याद रहे इमाम बिबिन रही ने फरमाया हर वो हदीस ये उसूली बात में बता रहा हर वो हदीस जिसमें मुस्तबिल में फ्यूचर में किसी मखसूस तारीख में जैसे सफ़र या किसी दूसरे महीने में मखसूस वाक़ात और हादसात के पेश आने का तस्करा हो तो वो झूठी हदीस है। बहुत सारे लोगों ने शवाल के महीने को मनोज़ बताने के लिए सफ़र के महीने को मनोज बताने के लिए झूठी झूठी हदीसें गढ़ रखी हैं तो अगर कोई ऐसी हदीस आपके सामने कोई पेश करे कि जिसका ताल्लुक मुस्कबिल से हो और किसी ख़ास दिन में आने वाले हादसे वाक़े के बारे में बताया गया हो तो याद रखें यह उसूल इमाम बबिन कैम रहा फरमाते हैं कि ऐसी चीज़ या ऐसी हदीस क्या है झूठी है ऐसी हदीस मनगणत है और सफर के महीने में खैर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना हमारे अपने लोगों में कि भाई दूसरे लोग सफर के महीने को मनूज समझते तो एक काम करो इस महीने में ज्यादा से ज़्यादा खैर करो उसके अपोजिट में उसके अपोजिट में ये तो वही बात होगी शर का इलाज शर के जरिए करना शर का इलाज शर के जरिए करना नहीं ये आम दिनों की तरह एक दिन है एक महीना है इसमें ना किसी खास इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और ना ही इस महीने को मनोज कहा गया है तो स्पेशली आप इस महीने को यह समझे कि इस महीने में दूसरे लोग नहीं जाते हैं तो हम भी जो है हम चलते हैं इस महीने की बुराई को आप खैर के जरिए खत्म करें तो यह गलत है क्या कहा सफर के महीने में खैर कामयाबी तोफी और मदद हासिल होने का अकीदा रखना काम आप कर सकते हैं बिल्कुल लेकिन यह अकीदा रखें कि सामने वाला गलत अकीदा रखता है तो हम यह अकीदा रखेंगे कि इस महीने में नहीं भाई सामने वाला यह कहता है कि सफर के महीने में काम करोगे तो बरकत नहीं होंगे लेकिन मैं करूंगा बरकत आएगी तो यह अकीदा रखना यह भी गलत है यह भी बदलत है ये भी जाता है तो ये चीज आप याद रखें अच्छा बाज लोग इसीलिए इस महीने को बाज लोग जैसे कहते हैं सफर का महीना मनूस है तो इसलिए उनके तोड़ में लोग क्या कहते हैं सफर अल खैर कहते हैं सफर अल खैर यानी सफर जो है वो खैर वाला महीना है नहूसत वाला महीना नहीं है और बाज लोग नेक शगुन के तौर एक बुरे शगुन के मुकाबले में नेक शगुन तो नेक शगुन के मुकाबले में क्या करते हैं बाज लोग सफर अल खैर का तस्करा करते हैं और इस हवाले से दीगर चीजें होती हैं तो ये माह सफर के हवाले से कुछ अहम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी और बस ये बताने के लिए कि हम और आप जो है क्योंकि ये अकीदे का मामला है अकीदे में एक बार बिगाड़ आ गया तो फिर वो रफ्ता 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 जो है बहुत सारी चीज़ों में बिगाड़ पैदा कर देता है इसलिए अकीदे में बिगाड़ जहाँ आए वहाँ फ़ौर जो है हमें अपना इलाज करना चाहिए अपने घरों में अपने बच्चों के दरमियान देखें इस तरह की कोई चीज़ होगी ख़ास तौर से कॉलेज में या जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के यहाँ होती है ये नहूसत वाला मामला पनौती वाला मामला फ़ला टीचर फ़लाँ प्रिंसिपल फ़लाँ जो है बच्चा फ़लाँ लड़की फ़लाँ जो है लड़का ये मनहूस है हमारे लिए हमारे स्कूल के लिए कॉलेज के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं और बास घरों में किसी खातून को किसी औरत को बुरा कह दिया जाता है मनहूस समझ लिया जाता है ये सारी चीजों का ताल्लुक अकीदे से है। अपना अकीदा खराब ना करें सफर का महीना मनहूस नहीं है कोई दिन मनहूस नहीं होता कोई रात मनहूस नहीं होती कोई महीना मनहूस नहीं होता लेकिन जब इंसान का अकीदा गड़बड़ हो इंसान के अकीदे में ख़राबी हो तो वो उल्लू के बोलने को अपने लिए बुरा समझता है कौवे की आवाज़ को अपने लिए बुरा समझता है और कहीं कोई जो है अपने घर में दुकान में क्या करता है चारों कुल लटकाते हैं देखें लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो गाड़ियाँ चलाते आगे आयतुल कुर्सी लटका लेते हैं आयतुल कुर्सी का छोटा सा मिलता है उसको क्या करते हैं गाड़ी में लटका लें क्या होगी हिफाजत होगी ये भी गलत चीज़ है े भी गलत चीज है कि आप उसको लटकाएं इसलिए कि आपकी हिफाजत होगी आयतुल कुर्सी अपने आप में आपकी हिफाजत नहीं करेगी भाई पढ़ करके निकले आप कुरान के जरिए बरकत हासिल करें और देखें जब इंसान का कदा गड़बड़ हो तो फिर कहीं देखें आप कहीं लेमू मिर्च लोग लटकाते लेमू मिर्च लटकाने से अगर बीमारी दूर होती है नौसत दूर होती है तो अपने गले में लटकाओ ना बाद लोग जूता चप्पल लटकाते हैं गाड़ियों में देखें तो गले में लटकाओ भाई गाड़ी से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है तो अपने गले में लटकाओ अगर गाड़ी के खराब होने का एक्सीडेंट का बिगड़ जाने का और हादसे का अंदेशा है इसलिए जूता चप्पल लटका रहे हो लेमू मिर्च लटका रहे हो तो अपने गले में लटकाओ तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है गाड़ी तो आ जाएगी लेकिन जान गई तो दोबारा नहीं आएगी मर तो नहीं गए तो दोबारा नहीं आओगे गाड़ी दोबारा ले सकते हो तो इसलिए अपने ये सब खुराफात हैं वाहियात हैं फजूल चीज़ें हैं और गैरों से ली गई चीज़ें सब रस्म व रिवाज हैं सारी चीज़ें इनको अपने घरों से दूर करें हमारे बरेलवी भाइयों का तो और बुरा हाल है आप देखें उनकी पहली बेटी की अगर शादी हो यहाँ पता नहीं शहरों में होता गाँव वगैरह में पहली बेटी की शादी हो तो तीन दिन से घर में झाड़ू लगाना बंद कर देते हैं तीन दिन से घर में झाड़ू अरे झाड़ू दे रहा पहली बेटी की शादी है इस इस तरह की अनगिनत गिनत खुराफात जो है इनके यहाँ मौजूद है इस तरह की, की चीज़ों से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये आपका अकीदा और आपकी तोहीद और आपकी बुनियाद को बिगाड़ देने वाली चीज़ें हैं इनसे बच कर के रहो घरों को बचाओ अपने बच्चों की हिफाजत करो अल्लाह अल्ला हरबुलमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अकीदे को बिगाड़ देने वाली जितनी चीज़ें हैं अल्लाह उन तमाम चीज़ों से हमें महफूज़ रखे جب لا الله دنيا میں زندہ ركي إسلام وريمان پر خاتمہ خاتمه وتخاتمه بالخير خاتم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज शलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान